मणिपुर में हुए दिल दहला देने वाले वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया है। महिलाओं के साथ हुए बदसलूकी के मामले में वायरल वीडियो ने देश में उबाल ला दिया है। आज पूरा देश महिलाओं के साथ में मणिपुर में हुए सामूहिक घटना के वीडियो से गुस्से में है और पीड़ा व्यक्त की है। दतिया जिले के इंदरगढ़ तहसील क्षेत्र के निवासी सुनील खरे, जो पेशे से पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, मणिपुर की घटना से इतना आहत और दुखी हुए कि रोते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। रोते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और देश में बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और बहन बेटी के संग उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को फांसी देने की बात कही। केंद्र से लेकर राज्य सरकार को जिस प्रकार घेरते हुए सुनील खरे ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर व्यक्त की है, उसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आना लाजमी है। प्रधानमंत्री को अपनी मार्मिक अपील करते हुए राज धर्म का पालन करते हुए मणिपुर को बचाने की बात कही है। कहा कि शासक का इस तरह आंख बंद कर लेना ठीक नहीं है। महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने आंख बंद की थी, जिसके कारण महाभारत हुआ। अब देश दूसरा महाभारत सह नहीं पाएगा। देश और मणिपुर को बचा लो। कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, कैसे कहें कि हमारी भारत माता महान है, हमारा देश महान है, कैसे कहें। आज एक धृतराष्ट्र की सरकार में समूचा देश रो रहा है। हमारी माताओं बहनों बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, सरे राह नीलाम हो रही है। किसी कहें कि हम इस महान भारत के नागरिक हैं। शर्म करो, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। सत्ताएं आती हैं जाती हैं। आज तो हिंदू हिंदू की, हिंदू ही हिंदू की बेटियों के साथ उनकी अस्मिता लौट रहे हैं। नफरत के किस बाजार में आके हम खड़े हो गए हैं। शर्म करो। एक युग वो था महाभारत में, जब धृतराष्ट्र ने कौरवों को अपने, क्या कहें हम, एक धृतराष्ट्र सत्ता की लालच में, पुत्र मोह में, तब महाभारत करवाया था। अब कौन सा महाभारत होगा, कौन सा महाभारत होगा।